चिकन हो और पुलाव या फिर बिरयानी खाने का दिल चाहे लेकिन कम मेहनत में उसे बनाना हो तो कैसे बनाएं? तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे झटपट बहुत ही आसानी से चिकन पुलाव, वो भी प्रेशर कुकर में, और ये बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर चिकन मैरिनेट करना है, इसलिए हमने आधा किलो चिकन लिया है। इसमें हमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टी स्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक, और एक टी स्पून धनिया पाउडर। इसी के साथ हमने एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, इसे हमने छील कर इस तरह लंबा काट लिया है, और चार हरी मिर्चें ली, इसे भी हमने इस तरह सेंटर में से काट लिया है। अगर आप इसे थोड़ा और स्पाइसी रखना चाहते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है एक टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है दही। तो दही हमने यहाँ पर दो टेबलस्पून लिया है। और अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी, एक बादियान का फूल, 12 से 15 काली मिर्च और 2 हरी इलायची। और इसी के साथ हमें इसमें एक टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर देना है। अब हम इन सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब हमने एक प्रेशर कुकर में 6 टेबलस्पून तेल ऐड कर दिया, और तेल के गर्म होते ही हमें इसमें ऐड कर देनी है 4 मीडियम साइज़ की प्याज। इन प्याज को इस तरह से हमने स्लाइसिस में काट लिया है। अब हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्याज को तब तक फ्राई करनी है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, और बीच बीच में हम इसी तरह इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर तक फ्राई करने के बाद ये थोड़ी ब्राउन हो गई है, तो इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल हमें गार्निशिंग के लिए करना है, और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून जीरा। देखिए, मैरिनेशन के वक्त भी आप जीरा ऐड कर सकते हैं या फिर स्टेज पर ऐड कर दें। और अब हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे भी हमने इसमें ऐड कर दिया, और अभी हमें टमाटर के सॉफ्ट होने तक इसे भी तेल में फ्राई कर लेना है। तो टमाटर के सॉफ़्ट होने तक हमने इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लिया, और इसी के साथ हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसे हमें इसमें ऐड कर देना है, और मैरिनेशन के बोल को खंगाल कर हमने इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर दिया। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है, और चिकन को इन मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे। तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है जब तक के मसालों का कच्चापन दूर ना हो जाए और चिकन का सारा पानी ड्राई ना हो जाए और इसमें से तेल ना रिलीज़ होने लगे। तो इस तरह हमने चिकन को मसालों के साथ 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर भून लिया, और आप देख सकते हैं कि इसमें से काफ़ी तेल रिलीज़ होने लगा है और मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जितने हमने चावल लिए हैं उसका 1.5 गुना हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो हमने 500 ग्राम चावल लिए हैं, इसलिए हम इसमें 0.25 लीटर यानी कि 750 ml पानी ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमें इसमें चावल के हिसाब से नमक ऐड कर देना है, और हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में एक उबाल आ जाएगा हमें इसमें ऐड कर देने हैं चावल। तो हमने आधा किलो बासमती चावल लिए और इसे पानी से अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते। तो एक बार इसे चला लेंगे, और हाई फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि चावल का जो पानी है वो सूखने ना लगे। तो देखिए, इसमें चावल ऐड किए हुए अभी सिर्फ 10 मिनट हुई है, और आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी पानी रिड्यूस हो गया है। तो अब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देनी है, और इसी स्टेज पर हमें प्रेशर कुकर को लीड से कवर कर देना है, और लो फ्लेम पर 2 प्रेशर आने तक हम इसे और पकाएंगे। लो फ्लेम पर 2 प्रेशर आने तक हमने इसे पकाया, और गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने दिया। और अब हमारी पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो फ्राई की हुई प्याज रखी है उसे हमें इसमें गार्निशिंग के लिए ऐड कर देना है, और हमारी पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो इस तरह कम मेहनत में और कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आप प्रेशर कुकर में बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार पुलाव बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और झटपट बनने वाली चिकन पुलाव की ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।